इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। आलिया अंसारी हैं, इन्होंने पूछा है, बालों में टिप टॉप क्लिप लगाते हैं और जूड़ा बनाने के लिए भी काटा क्लिप लगाते हैं, तो उसमें नमाज में कोई फ़र्क आएगा? काफ़ी बार नकाब में, दुपट्टे वगैरह में पिन लगाने के लिए भी इन चीज़ यानी धात की बनी हुई ये चीज़ें हैं। बालों में लगाने वाला टिप टॉप क्लिप देखा नहीं मैंने, क्या होता उसमें, किस किस्म का टिप टॉप, नाम पहली बार सुना है। और नाम से ऐसा लगता है शायद वो चटखनी टाइप जो टिप टॉप शायद ऐसे मुड़ के फोल्ड होके बोलता होगा वो, तो इसीलिए उसको टिप टॉप कहते होंगे, या हो सकता है कोई ऐसा बाज़ार में हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है क्लिप का। अगर कोई इमेज आप इसकी भेज देती क्लिप की तो आसानी हो जाती। बहरहाल मैं अभी इसको यही समझ के जवाब दे रहा हूँ कि टिप टॉप क्लिप वो बालों में लगाने वाली चिमटी होती है जो खोलते बंद करने में शायद टिक या टॉक की आवाज़ पैदा करती हो। तो और ऐसे क्लिप आते हैं कि जो निकाब में साइडों में लगाते हैं तो उस पर प्लास्टिक कवर के अंदर किसी दूसरी धात की शायद जो स्टील होती है, शायद वो स्टील की पिन जो होती हैं लगाने की, वो पिनें उसके अंदर होती हैं और उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ होता है। कुछ पिनें ऐसी भी आती हैं चुटकी वाली बालों में लगाने की, तो वो खूबसूरती और शो के लिए वो प्लास्टिक की होती है, लेकिन उसमें लगाने वाली जो क्लिप मेन क्लिप होती है बालों में रोकने वाली, वो शायद प्लास्टिक की नहीं होती। तो इसमें हुक्म ये है कि असल में ये बालों में लगा कर या इस तरीके से पहनने पर इसमें नमाज हो जाएगी। असल वजह इसकी ये भी है कि नमाज का जो कायदा होता है कि कोई चीज़ अगर पहन कर नमाज को मकरूह करार दिया जाता है तो वहाँ पहनने से मुराद उसका पहनना ही होता है, और हमारे उर्फ में बालों में लगाई जाने वाली क्लिप या चिमटी पहनने में शुमार नहीं होती। यानी हम इसको बालों में लगाना बोलते हैं, पहनना नहीं बोलते। तो ये उन जेवरों में नहीं आती कि जो जेवर धात के औरत को पहनने के लिए शरीयत ने मना किया है, मतलब तांबा पीतल वगैरह। तो ये जो धात के जेवर होते हैं ये क्लिप उन जेवरों में शुमार नहीं होती मेरे इल्म और तहकीक के मुताबिक जो है, तो वो बालों की जो क्लिप होती है ये जेवर करार नहीं पाती, और हमारे उर्फ में इसको पहनना भी नहीं बोलते। जो तो जो धात के जेवर औरत को पहनने के लिए मना है तो वो जेवर ही की हद में रहेंगे और उसको पहनने ही के हुक्म में मना ही करार दिया जाएगा। और अगर ये बालों की चिटकी है तो ये जेवर में भी नहीं है, तो बग़ैर जेवर के भी इसको नॉर्मल हालात में औरत पहनती लगाती है, जबकि 12 महीने औरत हमेशा जेवरों में नहीं रहती, उसके बावजूद भी पिन लगाती है। दूसरी बात, हमारे में हार का पहनना उर्फ में पहनने पर दलालत करता है, यानी जो चीज़ हम पहनना से लफ्ज़ से उसकी ताबीर कर सकते हैं कि इसको पहना जाएगा, तो उसी को पहनने के हुक्म में नमाज पर हुक्म आता है कि ये चीज़ हमने पहनी है, इसको पहन कर नमाज़ पढ़ना मना है। और कोई ऐसी चीज़ है जिसको हमारे उर्फ में पहनना नहीं बोलते तो उसको हम पहनने की कैटेगरी में नहीं ला सकते। तो ये बालों की जो क्लिप होती है ना, इसको बालों में पहनना, सर पर पहनना नहीं कहा जाता। मसाइल का दारोमदार अंदर वजाहत मेरी ये है कि जो प्लास्टिक ऊपर लगा हुआ होता है ना कवर, अब ये प्लास्टिक जो है, ये जो लोहे की क्लिप होती है प्लास्टिक के ताबे होती है। कोई बाज़ार में ऐसा क्लिप आपको मिलेगा नहीं कि जो प्लास्टिक की चिमटी का हो, अगर मिलता है तो बहुत अच्छा, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन देखा यह गया है कि बहुत मुश्किल होता है कि प्लास्टिक का हो। अब रहा अगर ये कि औरत को सोना चांदी ही जायज़ है, तो लेकिन बालों में लगाने के लिए चिमटियाँ सोने चांदी की हर शख्स नहीं खरीद सकता, नहीं पहन सकता। तो लिहाजा ये उर्फ में यही चिटकियाँ इसी कैफियत पे मिलती हैं, इसके अलावा सोने चांदी की उमूमन मिलती भी नहीं, और कोई बालों की क्लिप सोने चांदी की ख़रीद भी नहीं सकता। तो ऐसे में मुकम्मल कंपनी प्लास्टिक की इसको बनाती भी नहीं है। तो ये जो आप ये धात होगी ना, ये बतौर मजबूरी प्लास्टिक के ताबे ही होगी। तो इसके अंदर अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे चिटकी में या पिन में, जो पिन स्टील वगैरह की आती हैं, दूसरी प्लास्टिक में आती नहीं है, तो इसको फिर लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पहनना भी नहीं है और ये जेबर भी नहीं है। फिर भी ये कि अगर इसके बगैर नमाज में काम चल जाए, दिल ना आपका लेता हो, तो अच्छी बात है, फिर आप इसको हटा सकती हैं, लेकिन उमूमन पहनने में कोई मुश्किल नहीं है। इसको समझने के लिए एक चीज़ और भी समझ लें कि जिस तरह मर्द हजरात की बेल्ट होती है तो उसके अंदर भी एक लोहे का कुंडा वगैरह लगा होता है, लेकिन वो क्या होता है, चमड़े के ताबे होता है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, खाली उस कुंडे का फिर कोई वजूद भी नहीं होता। तो अगर उस बेल्ट को पहनेंगे तो उस बेल्ट को पहनने के सबब वो कुंडा ज़रूर उसके साथ जुड़ा हुआ ही होगा। अब ऐसी बेल्ट तलाश करना कि जिसमें सिर्फ प्लास्टिक हो, या ऐसी बेल्ट खुद के लिए बनवाना कि जिसमें लोहा तांबा ना हो, तो ये
बहुत दुश्वारी है हर आदमी के लिए कि वो कंपनी में ऑर्डर दे के अपने मुताबिक तैयार करवाए। तो जैसा उर्फ में हमारी चलती हैं वो बेल्ट पहनने की जिस तरह से इजाज़त है, वैसे ही ये छोटी चिमटी वगैरह भी बालों में लगाई जा सकती हैं। और अब ये जो नकाब को रोकने के लिए साइडों में पिन करके लगाते हैं, ये भी होता तो प्लास्टिक का है लेकिन इसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिन जो है ना वो स्टील की होती है, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्थर में असर